हे गाइस, गुड आफ्टरनून। दोपहर के 1 बजे और ये अपनी गैंग तुषार भाई, विनीत भाई। 7 दिनों के बाद घर से बाहर निकला हूँ। लास्ट ब्लॉग हमने अपलोड किया था 7 फेब को और आज है 15 फेब। 7 दिन मैंने क्या किया वो तो मैं आपको एक जगह पे बैठ के शांति से बताऊंगा। तो आज का जो प्लान बना है वो कुछ बड़ा प्लान नहीं है। मुझे पता है कि आज का व्लॉग छोटा बनेगा। हम एक ऐसी प्लेस पे जा रहे हैं जो प्लेस मेरी फेवरेट प्लेस है। वहाँ पे बहुत अच्छा फूड मिलता है और फेमस प्लेस है। एक बहुत पहले व्लॉग बनाया था, मतलब 1.5 साल पहले व्लॉग बनाया था। तुषार भाई बोले कि भाई आज कुछ खाना है, लेकिन आपके भाई को रिस्ट्रिक्शंस पड़े हैं तो आपका भाई नहीं खा पाएगा। आपके भाई को चिकन खाना मना है, हम लोग फिश खाएंगे वहाँ। तो घसीट के बाहर निकाला है भाई को। हाँ, ये बहुत मेन चीज है, बिकॉज 7 दिन से रेस्ट 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 चले और सच में बाहर निकलने को नहीं हो रहा था। महत्वपूर्ण बात ये है ना कि जिस चीज का बहुत बुरा लग रहा है वो है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 राइड के प्लान कैंसिल हुए। ये जो अभी जो कंडीशन चालू है, 3 राइड के प्लान कैंसिल हुए। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज जो चीज़ इससे पहले चालू थी उससे मेरा बैंड बज रहा था और जो चीज़ अभी चालू है उससे तकलीफ हो रही है, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा है। जान है तो जहान है, क्या बोल रहे हो विनीत भाई? बराबर सही है। विनीत भाई थोड़ा आगे आओ, आगे दिख नहीं रहे हो। इधर का लाइट वाइट लेना चाहिए इधर। विनीत भाई गोरे अपने यार, इतने काले नहीं यार। देखो देखो, ये अपना मिल्की बार, ये लेकिन भाई एक लाइन है, पता है एक लाइन है, काले है तो क्या हुआ, दिल वाले। तो भाई आप हमारी गाड़ी पहली बार चला रहे हो, कैसे चल कैसे लग रहा है आपको? अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छे से मेंटेन किया आधी। मैं कैसे चलाता हूँ पर? अरे एकदम शर्माने वाली बात मत पूछो यार। नहीं, अपनी तारीफ सुनना भी अच्छा होता है। कार लेके घर से बाहर निकलते हैं तो कार के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, हम लोग एसी में घूम सकते हैं। लेकिन जो ये जो ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक इससे अगर आपको बाहर निकलना है ना तो एक ही चीज चाहिए। मेरे पास चाहिए अश्वमेध, आपके पास चाहिए गरुड़, तो ही हम लोग रॉकेट जैसा बाहर निकल सकते हैं। तो गाइस ये है गोवा हाईवे और जो अभी जो पीछे चौक गया वो कौन सा चौक था? अपना दत्ता वड़ा पाव। हाँ, दत्ता वड़ा पाव वाला जो चौक है वहां से आपको गोवा हाईवे आना। ये लोकेशन मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज लास्ट टाइम जब यहाँ पे व्लॉग बना था तो बहुत लोगों ने पूछा था कि भाई एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो यहाँ से एक अराउंड 5 to 6 किलोमीटर पे वो प्लेस आती है। सर मैं पहली बार आया हूँ ना यहाँ पे। हाँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ। देखते हैं एक जगह कैसी है। अराउंड एक कुछ 3-4 साल हुए मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे आ रहा हूँ। 3-4 साल से एक ही डिश यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ और इसके ऊपर ही पहले व्लॉग बना था। यहाँ पे मिलता है स्पेशल चिकन लपेटा और वही चीज़ आज मैं अपने तुषार भाई और विनीत भाई को खिलाने वाला हूँ। बिकॉज विनीत भाई भी कभी नहीं आया ना यहाँ पे, गए यार छोड़ के गए अपने भाई को, तो विनीत भाई भी यहाँ पे कभी नहीं आया। तुषार भाई और विनीत भाई पहली बार यहाँ पे आए हैं। हाँ। तो भाई यहाँ पे एक ही चीज खानी है, चिकन लपेटा। लपेटो लपेटो, वो वाला लपेटा नहीं लेकिन चिकन लपेटा, याद रखोगे इस डिश को। अभी तक हम लोग जब से मिले तब से फर्स्ट टाइम इसकी रिकमेंडेशन वाली जगह पे हम लोग आ रहे हैं। हाँ, ये बात सच है भाई, घसीट रहा था सबको। ये भाई सच है, ये बात सच है कि आज तक जितने प्लेसेस देखी है, जितने फूड वाले एरिया देखे है ना, वो थे तुषार भाई की चॉइस। और ये पहली बार आपका भाई तुषार भाई को कहाँ पे लेके आया, तो आज भाई बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत मतलब इज्जत का सवाल है आज आपके भाई की, और इसका रिव्यू अच्छा आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या इस अभी मेन बात पे आता है कि 7 डेज में मैंने व्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया, 7 डेज में क्या कर रहा था, बहुत सारे क्वेश्चन। और सबसे मेन चीज़ कि आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे जो भर भर के प्यार दिया ना, उसके लिए दिल से शुक्रिया गाइज। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे जैसे एक मामूली से छोटे से बंदे को आप लोग इतना प्यार करते हो। और एक चीज़, ये चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब मैं व्लॉग नहीं अपलोड करता तो सबसे ज़्यादा मैं आपको मिस करता हूँ। मेरे सामने आज एक कैमरा है लेकिन मैं ऐसे मानता हूँ ना कि ये मेरी पूरी फैमिली है, पूरी जनता है यार अपनी। तो अभी आते हैं मेन बात पे कि 2013 में ना मुझे एक तकलीफ स्टार्ट हुई थी, क्रॉनिक अर्टिकेरिया। आप अगर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्रॉनिक अर्टिकेरिया होता क्या है। जस्ट मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि आपके बॉडी पे पूरे रेड रेड पैचेस आते हैं और इतने गंदे पैचेस आते हैं कि आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते। व्लॉगिंग तो बहुत दूर की बात है गाइस, आप जो दिन के अपने रेगुलर काम होते हैं ना वो करते हुए आपको बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने क्या किया कि जब 2013 में मुझे तकलीफ हुई तो मैंने एलोपैथिक स्टार्ट किया, उसके बाद होम्योपैथिक
स्टार्ट किया, उसके बाद आयुर्वेदिक स्टार्ट किया, लेकिन उस टाइम पे आपके भाई के दिमाग में एक चक्कर घूम रहा था, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तो इंस्टेंट रिलीफ के चक्कर में मैंने एलोपैथिक स्टार्ट किया। तो एलोपैथी मैं लास्ट 4 साल से ले रहा हूँ। उस टैबलेट ने इतना इफेक्ट करना स्टार्ट किया मेरे पे कि मुझे फेस पे स्वेलिंग आने लगी, मुझे और भी इंटरनल प्रॉब्लम्स होने लगे, मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं भाई 24 आवर्स में नींद में घूम रहा हूँ। तो मैंने ये चीज़ बात शेयर की अपने तुषार भाई के साथ, तो तुषार भाई ने मुझे बहुत ही अच्छा मतलब सजेशन किया कि जा आदि तू आयुर्वेदिक देख ले। तो अभी ऐसा फंडा हुआ कि मैंने स्टार्ट किया आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक का एक ही चक्कर है कि आपको इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिलेगा, और ये मुझे पता था जिस डॉक्टर से मैं ये ले रहा हूँ, आई थिंक वो डॉक्टर भी यहाँ पे ये व्लॉग देख रहे हैं। तो मतलब उन्होंने मुझे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाया, लेकिन वो अपने सेहत के लिए तो यार संभालना पड़ेगा। मैं चिकन नहीं खा सकता, मैं फ़िश खा सकता हूँ, मटन खा सकता हूँ नॉनवेज में, और आपको पता है कि आपका भाई फूडी है। तो अभी चक्कर ऐसे है कि और एक 6-7 दिन ये तकलीफ होने वाली है। बुरा लग रहा है कि मेरे सारे राइड के प्लान्स पोस्टपोन हुए हैं, मैंने बहुत सारे प्लान्स किए थे फेब के, लेकिन एक ही कहूँगा ना, आने वाले दिनों में बहुत सारे प्लान्स बनेंगे। और गाइज ये लड़ाई है ना, ये मेरे खुद से खुद की लड़ाई है, तो मुझे पता है कि जब ये वाली फ़ाइट होती है ना, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन जल्द से जल्द इस सारे चक्कर से बाहर निकलना है। लास्ट 4 ईयर से ये आपके भाई की सबसे फेवरेट डिश है, चिकन लपेटा, और ये आपका भाई अभी नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, हाँ दूर जा रहा है, फिल्मी नहीं बन रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन नहीं खा सकता। हम लोग फिश खाएंगे, कोई बात नहीं, अभी खुद के सेहत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज हमें आगे बढ़ के बहुत सारे काम करने हैं, भाई के साथ लंबा घूमना है, राइड करनी है। ये भाई अपने फ़ोटो निकालते, ये भाई चिल्लाते बैठते कि आदि भाई अपने पे कंट्रोल करो ताकि फ़ोटो अच्छे निकले, तो इस भाई को खुश करना ज़रूरी है, इस भाई को खुश करना ज़रूरी है, मतलब नहीं खाना, बलिदान ही है जिंदगी का दूसरा नाम बन गया भाई, सैक्रिफाइस। ये आ गई मेरी डिश, ये है जितड़ा फिश फ्राई, और ये इस एरिया में बहुत मिलता है, इसकी टेस्ट थोड़ी बहुत पॉपलेट जैसी होती है। मुझे फिश अलावा है ना, तो भाई लोग को मैं चिढ़ा सकता हूँ, ये मैं खाऊंगा फिश। तो गाइस फाइनली लंच खत्म हुआ है, भाई कैसे लगा? लपेट डाला, लपेटा पिछली सीट पे मैं लपेटा। विनीत भाई को कैसे लगा? अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। लपेटो बाबा, ये बचा हुआ लपेटा हम लेके जा रहे हैं। बहुत मजा आया गाइस, बहुत मजा आया। सबसे ज्यादा मजा तो मुझे आया बिकॉज मैं 7 डेज के बाद बाहर निकला था। हाँ, आज एक दुख की बात है कि भाई मैं लपेटा खा नहीं पाया, फ्रिज से काम चलाना पड़ा भाई, एसी लगा। हाँ। मुंबई में क्या हो रहा है यार, दिन में ऐसा हुआ है ना यार, माहौल गर्मी 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 गर्मी। हाँ। भाई ये माहौल का भी पैसा है। हाँ भाई, बहुत दिन बोले नहीं यार हम लोग की माहौल का पैसा है बॉस। चलो चाचा, थैंक यू। तो गाइस आज के हमारे व्लॉग में इतना ही। आई नो कि आज का हमारा व्लॉग बहुत छोटा बना है, छोटा सा था, मुझे जो आपसे शेयर करना था वो मैंने शेयर किया, लेकिन एक चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि हमने बाइक राइड पोस्टपोन की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, हम लोग घूमेंगे नहीं, हम लोग तो घूमने वाले है, टूरर्स है यार, घूमने वाले और घूमेंगे, बाइक नहीं तो यार कार से निकलेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकलेंगे, लेकिन बाहर तो निकलेंगे, बिकॉज 7 दिन भाई घर पे था, 7 दिन इतना गंदा फ्रस्ट्रेशन लग रहा था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। दिन ऐसे यार यूट्यूब पे वीडियोस देखते देखते दिन निकाल रहा था। ये सह नहीं सकता भाई, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, बीमार है लेकिन कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे और बाहर निकलेंगे। तो आज के हमारे व्लॉग में इतना ही, यहाँ पे हमारा व्लॉग एंड करते हैं। हमारी कंडीशन आपके समझ में आई होगी, यही उम्मीद है, बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी हुआ। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, एडियोस। और हाँ, सब्सक्राइब करना। अरे यार, हाँ शेयर करो, शेयर बोल यार, विनीत भाई ने बताया यार, ये कट नहीं होगा, कुछ कट नहीं होगा, कट कुछ नहीं होगा भाई, बोल दो भाई, पब्लिक से छुट्टी मांग लो भाई, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और
घंटा दबाओ टिंग टोंग इतना सारा करने के बाद जब घर से बाहर निकलते कहां पे भी जाओ ट्रैफिक में अपनी जिंदगी बिताओ। हाँ।